हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? अनु कपिल चैनल में नए एक और वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत आज मेरे लिए तो बहुत ख़राब से स्टार्ट हो रहा है। देखो, मेरे हस्बैंड को पैर में चोट लगी है, तो उन्होंने हॉस्पिटल से अभी दिखा के आए हैं। तो कल रात को उनको चोट लगी थी होटल से, रात को आते टाइम, मतलब होटल में ही लगी थी। तो उधर देखो, कॉर्नर में दवाई वगैरह लगा है, दवाई लेके उसके बाद डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया। अभी उन्होंने रेस्ट ले रही है। मतलब आज हमारे घर पे एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब कि एक त्यौहार है, पूजा है। तो बहुत इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, बहुत खाना पीना होता है। मतलब खाना पीना का लोग आज बनाने का तैयारी वगैरह चलता है, लेकिन इतने हंसी मजाक में भी मेरे हस्बैंड का ऐसे हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं, हमारे पैर में सबको, मतलब वो बोलते ना, पनौती जैसे हो गया है। इससे पहले मेरे ससुर जी को लगा था, मेरे देवर जी को लगा था, सेम पैर के इसी सेम पोजीशन में, और अभी मेरे हस्बैंड को भी। तो इसलिए आज होटल बंद है, नहीं गया है, क्योंकि कैसे जाएगा ना, पैर पे इतना जोर का लगा है। तो मैं जितना हो सके उनको हेल्प कर रही हूँ, उठने वगैरह में ज़्यादा मना कर रही हूँ। तो पैर के नीचे जिधर देख रहे हो उधर क्रैक आया, और पापा को मेरे देवर जी को सेम इसी पोर्शन में लगा था। तो चलो, इनको इधर रेस्ट करने देती हूँ, सब खाना पीना खा के दवाई वगैरह लेके रेस्ट रहे। तो चलो, हमारे क्या फंक्शन हो रहा है आप लोगों के साथ, मतलब जो फेस्टिवल है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो, काम करो बेटा, खाजा बना हुआ था तो काम करो। ये देखो किटी, बेटू निकालो निकालो, मुंह से निकालो, देखो कितना बदमाश है। बेटा दे दो बेटा, मैं सोच रहे काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स, जो मैं बोली थी आज घर पे ही बन रहा है। तो ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बनेगा। ये देखो मम्मी बेल बेल की इधर रख रहा है, तो मैंने भी उनको अभी जस्ट हेल्प करूँगी, क्योंकि अकेला तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रिस्टी को अभी सब हो गया, हमारा सब हो गया है, सुबह का खाना वगैरह, मतलब नहाना धोना, बर्तन कपड़ा सब धोना वगैरह। क्रिस्टी को भी नहला दिया हूँ। क्रिस्टी को अभी थोड़ा लंच खिलाने के बाद ना, तो मैं आ जाऊँगी इधर करने। तो ना बहुत कुछ आज रेसिपी बनेगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या बन रहा है। तो इसको बोलते हैं खाजा, अभी खाजा बनेगा। इसको मम्मी ने मैदा, अजवाइन, नमक, नमक डाला, नमक, तेल सब डाल के मम्मी ने गूंद लिया है। और अभी देखो इसको बेल बेल के तो रख रहा है, बाद में इसको तेल में फ्राई होगा। क्या बोलता है ठंडाई को? ठंडा, अच्छा वो पूजा होता है ना माता जी का ठंडा, वो ऐसे वेजिटेबल होता है कि अगले दिन सब कुछ बनाया जाता है। मतलब आज बनाऊंगी हम लोग, कल सब ठंडा खाना, मतलब कल घर पे कुछ गैस वगैरह नहीं जलेगा और कुछ बनाएंगे नहीं, हम पूरे दिन ऐसा भी खाएंगे। तो चलो, क्या क्या रेसिपी में बन रहा है सब आप लोग। और इधर देखो, क्रिस्टी को हम लोग सब बोलते रहते हैं कोई काम नहीं करता है, लेकिन वो बहुत काम कर रहा है। देखो आटा गूंदने के लिए जा रहा है, सिर्फ वो टब उसके हाथ के सामने नहीं आ रहा है। ये देखो, तो चलो फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ, क्रिस्टी को थोड़ा सा खाना खिला के उसके बाद आ रही हूँ। तो अभी देखो मैं फ्री होके आ गई हूँ, क्रिस्टी को खाना मतलब लंच वगैरह खिला दिया हूँ, अभी मैं पूरा फ्री हूँ। तो क्या है पता है, अभी ना मतलब कल, आज बना के रख दूँगी, ये शीतलाष्टमी है, मतलब आज बना के कल हमारे घर पे चूल्हा वगैरह नहीं जलेगा, बहुत ही इमरजेंसी में चलेगा, वो है क्रिस्टी के लिए, नहीं तो हमारे घर पे कल चूल्हा वगैरह कुछ नहीं जलेगा। क्योंकि क्रिस्टी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 8 महीने का, उसको तो कुछ ऐसे खा नहीं सकता ना। और इधर देखो, मैं मम्मी के साथ खाजा बेलने के लिए बैठ गई हूँ, गए बार में भी किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और आप लोग देखते रहना क्या क्या मेनू में रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, पता नहीं आप लोगों के साथ कितना शेयर कर पाऊँगी। तो आप लोग वीडियो के साथ रहो, देखते रहो क्या क्या बन रहा है। गए साल में ना मैं बहुत इंजॉय की थी, तभी तो क्रिस्टी पेट में थी। तो इस बार देखो क्रिस्टी भी आ गए, और खाने पीने का इतना सारा चीज़ बनता है ना, ऐसे लगता है खाने का फेस्टिवल बोल सकते हो फ्रेंड्स, इतना कुछ बनता है। तो देखो चलो, इसको मैं बेल लेती हूँ, और क्रिस्टी तो अभी खाना खाया है, थोड़ी टाइम ऐसे बैठे ही रहेगा, जब भी उसको नींद आएगा उसको सुला दूँगी। तो चलो, इधर देखो ये जो खाजे का मैदा है, इसको मम्मी नमक, मतलब
नमक, अजवाइन, तेल ये सब डाल के एकदम कड़क कड़क गूंद लिया। और अभी बेल रही हूँ इसको, तो पहले सब बेल के एकदम रख दूँगी, उसके बाद लास्ट में फ्राई करना है। तो चलो तो पहले वाला जो था वो नमक वाला यानी कि सॉल्टेड खाजा था, और अभी ये मीठी वाला मतलब शक्कर के पानी से ये आटा गूंदा हुआ है, इससे भी खाजा बनेगा, ये मीठी खाजा बनेगा। तो मम्मी इसका डो बना के तैयार कर लिया। ये देखो बाजी में शक्कर के पानी है। तो अभी देखो इसमें मम्मी बना रही है शक्कर पैरा भी बनाएगा कुछ, और कुछ बनाएगा शक्कर का खाजा। तो सबसे पहले तो देखो इसको बहुत बड़े थाली के पीछे के हिस्से में बेल रही है, और देखो मैं इधर बाजू में सब अलग अलग कर रही हूँ। मम्मी इसको देखो खाजा के मतलब बर्फी के शेप में कट कर रही है, और मैं इधर अलग अलग करके सब रख रही हूँ। मतलब इतना सारा चीज़ बनेगा ना तो हेल्पर नहीं होगा तो मम्मी अकेला नहीं कर पाएगा। और किश्ती को अभी नीचे हम लोग दे के आए, क्योंकि किश्ती के पापा दादाजी सब नीचे ही है। और इधर देखो मेरी नानन जी, मम्मी, मैं तीनों ही काम पे लग गई हूँ। और ये देखो मम्मी ऐसे कट करके देगा, और मैं उधर से एक एक करके निकाल के इस पेपर में रखूँगी, ताकि हल्का बहुत, ये बहुत ज़्यादा गीला गीला ना, हल्का बहुत ड्राई हो जाएगा और तेल में फ्राई करने में और भी आसान पड़ जाएगा। और अभी इधर मम्मी बनानी है तीखी नमकीन, तो इसमें मैदा, अजवाइन, नमक, और अभी देखो इसमें डाल दिया बहुत सारे तेल और मिर्ची पाउडर और थोड़ा खाने का सोडा, सब चीज़ मिक्स करके इसको अच्छे से पानी से गूंद लेगा। लेकिन सॉरी, ये मैदा नहीं है, ये बेसन है। आई एम सो सॉरी, मेरे को ना मतलब मैं थोड़ा बिज़ी थी, आप लोग देख ही पा रहे हो, मतलब मेरा सर दिख रहा है, तो मैं इधर काम करने में बिज़ी थी, तो मैं जस्ट कैमरा को रख के शूट हो रहा, मतलब ऐसे होता ना, इस काम में कैमरा मैन होना चाहिए था कि वो सब दिखा पाए, बाद में मेरे को बता पाए, तो मेरे को थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये देखो घूमने के बाद मम्मी का जो डो आप लोग दिख रहे हो बहुत ज़्यादा रेड रेड दिख रहा है, ताकि उसमें ना बेसन थोड़ा घूनने के बाद या फिर पानी मिलाने के बाद थोड़ा बहुत कलर चेंज होता है, और उसमें मिर्ची पाउडर भी गया है। और इधर देखो मम्मी चूल्हा जला देगी, तो अब चाहे तो गैस में भी बना सकते हो, लेकिन हमारे ऊपर खुला है और लकड़ी भी बचा है बहुत सारा, तो इसलिए मम्मी चूल्हे में ही बना रहा है। और मम्मी का आज फर्स्टिंग है, तो इधर देखो सबसे पहले तो मम्मी इधर पोटैटो चिप्स, मतलब ये पोटैटो चिप्स मम्मी फर्स्टिंग में खा सकते हैं, मम्मी का उपवास है, फास्टिंग है, तो सबसे पहले वो सब मैदे वगैरह आटा वगैरह का चीज़ फ्राई करेगा, तो वो तेल का भुना हुआ चीज़ नहीं खा पाएगा, इसलिए पहले इसको फ्राई कर लेगा, ताकि मम्मी का फास्टिंग वगैरह चल रहा है ये खा सकता है, और फास्टिंग में पोटैटो चिप्स खाया जा सकता है, इसलिए पहले मम्मी इसको फ्राई कर लिया। और इधर देखो नमकीन, मतलब जो बेसन का डो बनाई थी ना, बेसन, अजवाइन, मिर्ची, खाने का सोडा सब बना के देखो इसके अंदर डाल दिया। और अभी देखो ये मशीन भी हम लोगों का ही है, तो इसमें बहुत अच्छे से नमकीन बनता है, तो नमकीन को देखो तेल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो ये फ्राई हो चुका है, अभी मम्मी इसको कढ़ाई से निकाल देगा। ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाते हैं ना, तो ये बहुत ही तीखी तीखी लगता है। और ये देखो पोटैटो चिप्स बन के तैयार, मम्मी इसमें काला नमक और मिर्ची डाल दिया है, तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ये फ्राई करते साथ साथ हम लोग ही खा लिया। और ये देखो ये है सॉल्टेड खाजा, जिसमें नमक और अजवाइन वगैरह डाल के बनाई थी, तो अभी इसकी बारी है। हम लोग सब बेल के रखे थे, इसमें तो ज़्यादा मम्मी ने ही बेला है, तो मैंने भी बेला है, क्योंकि बीच बीच में मेरे को किश्ती को भी संभालना पड़ रहे थे। तो चलो अभी ये फ्राई करने का बारी है। अभी देखो कितना सारा क्वान्टिटी में था ना, तो देखो मम्मी फ्राई करने लगा है। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते, इसलिए मैं छोटे छोटे हिस्से में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो ये फ्राई हो चुका है, अभी इसको मम्मी निकाल लेगा। ये देखो अभी तीखी नमकीन बन के तैयार, जो मम्मी फ्राई कर रही थी अभी अभी। तो अभी देखो उधर जो मम्मी चूल्हा जला रहे थे ना, उसका लकड़ी ख़त्म हो गया, तो मैं इधर लकड़ी लेने के लिए आई थी, तो ये लकड़ी है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा काटा हुआ लगा हुआ है, तो मैं तीन ही लेके जाऊंगी। तो देखो लकड़ी लेने आई थी, उधर देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा है, एक मिनट दिखाती हूँ।
ये देखो मधुमक्खी की कितनी बड़ी उन्होंने बनाया है, इसलिए ना हमारे छत पे बहुत ज़्यादा मधुमक्खी आता है। और ये काटता है, मेरे ननन जी को एक बार काटा भी है 4-5 दिन पहले। तो ये देखो इसको तो कुछ बंदोबस्त करने पड़ेगा, नहीं तो जितना बड़ा होगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स मैं लेके इसको चलती हूँ अभी, इधर ज़्यादा टाइम रहना सुरक्षित नहीं रहेगा। और अभी फ्राई होगा शक्कर पारा जो मम्मी काट रही थी, मैं बाजी में रख रही थी। देखो ये मीठी मीठी होता है थोड़ा, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको भी मम्मी फ्राई करके निकाल लेगी। तो आप लोग सोचोगे ये सब इतना चीज़ इतना क्वांटिटी में क्यों बन रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स इधर है 5 कुटे की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही महंगा है, कम से कम इसका किलो 1.5 से 2 हज़ार। लेकिन आप लोगों को सब दिखने में कैसे लगेगा, लेकिन ये सब्ज़ी राजस्थान की बहुत ही महंगी सब्ज़ी है। ये हमारे इधर शीतलाष्टमी में ज़्यादातर बनती है, और 10 डे में भी बनती है, लेकिन स्पेशल इस डे में बनती है सब्ज़ी। मतलब क्या होता ना, हम लोग आज बनाएंगे तो कल खाएंगे ना, तो ये सब्ज़ी ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। तो इसको मम्मी ने भिगा के रखी थी सुबह से, और अभी इसको निकाल के धो रही हूँ। और इधर देखो सॉल्टेड वाला खस्ता फ्राई हो गया है। और ये देखो ये पापड़ बहुत सारा, मतलब एक एक टाप भर के है। और इधर देखो मूंगफली मम्मी ने फ्राई कर लिया, और नमकीन में डालने के लिए इसमें भी काला नमक और मिर्ची पाउडर छिड़क दिया है। और ये है शक्कर पेड़ा। हाँ जैसे कि मैं बोल रही थी, आप लोग सोचोगे इतने क्वांटिटी में फ्रेंड्स भला ये हम लोगों ने कल के लिए भला है, लेकिन हम लोग ने इसको 10-1 हफ्ते तक खाऊंगी। और ये है वो महंगी सब्ज़ी, 5 कुटी की सब्ज़ी, इधर के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को अच्छी लगती है बहुत कम। और ये है गाठ, गाठ यानी कि ये भुट्टे का दाने से बना हुआ है, जैसे लपसी के तरह वैसे। और ये है आमचूर की चटनी, आमचूर सूखा के रखती है, उसको भिगाने के बाद इससे चटनी बनती है। और ये है खिचिया ऑयल में फ्राई किया हुआ। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो आज इधर ही ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय।